कि आत्मा के पास एक लाइट का शरीर होता है और लाइट के शरीर के ऊपर ये पंच तत्वों का शरीर होता है। तो जब हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं उसका इम्पैक्ट सबसे पहले हमारी लाइट की बॉडी पे होता है, फिर पंच तत्वों की बॉडी पे होता है। जब हम इस तरह के थॉट क्रिएट करते हैं बार बार कि मेरे सर में दर्द, हाय मेरे सर में दर्द, इतना दर्द कि शरीर छूट जाए, तो सोचिए उस लाइट की बॉडी में जो वो शर है लाइट का, वहाँ पे तो दाग बनना है ना। फिर उसी फीलिंग्स के साथ वो आत्मा एक गर्भ में प्रवेश करती है, और क्योंकि वो शरीर से बिल्कुल भी अटैच नहीं है अभी जिसमें वो आई है, तो वहाँ पर वो उसी बात को दोहराती रहती है, मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरे सर में बहुत दर्द है, बिकॉज ये माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। और मन तो बिल्कुल जिन की तरह है, उसे जो बोल दे वो दोहराता रहेगा, बशर्ते जब तक आप बुद्धि का प्रयोग करके, आपकी बुद्धि बहुत क्लियर और पावरफुल नहीं है, लेकिन उस वक्त बुद्धि कहाँ से काम करेगी, क्योंकि शरीर जो है वो तो छोटा सा है, उसका ब्रेन तो पूरा डेवलप है ही नहीं ना, तो बुद्धि तो काम करेगी नहीं। अभी तो छोटे बच्चे की बुद्धि तो काम करती नहीं, तो वो तो गर्भ में है तो कहाँ काम करेगी। तो होता क्या, वो ऐसे ही दोहराता रहता है, दोहराता रहता है, आत्मा दोहराता रहती है शरीर के अंदर, और फिर वो दाग यहाँ भी बन जाता है। अब मानिए हम वो व्यक्ति हैं जिसने राजयोग सीखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझते हैं। अब हम उनमें से वो हैं, जैसे आप में से कुछ बैठे हैं जिन्होंने भी शायद राजयोग नहीं सीखा है ना, तो हमें ऐसा लग सकता है भाई वी डोंट बिलीव इन पुनर्जन्म एंड ऑल। तो अगर हम नहीं भी मानते ना, तो अपने फायदे के लिए मान लीजिए इस पे हमारा फायदा ही है।